Welcome in today's class. Good morning, the students of class 10th. In the previous class, you had seen that I had discussed about the zeros of different polynomials like linear, like quadratic, like cubic, etc. But on the Zoom class, some students had complained that, sir, voice is not clear, either whatever you have taught, I didn't understand. So please give me a video. So try to understand here. I am here taking example, and this is very usual question that usually comes in exam, in school level, either in board exam. Question is, find the zeros of quadratic polynomial 6x square minus 7x minus 3 and establish a relation of its zeros with its coefficients. Dear students, as you know, to find the zeros of any quadratic polynomial, first of all we have to find its two factors. So using middle term splitting, firstly, we have to find the zeros of this polynomial. So firstly, I will find factors using middle term splitting process. Here minus 7x will be splitted in two parts so that its sum will be minus 7x and its product should be minus 18. So it can be written as minus 9x plus 2x. Minus 7x can be written as minus 9x plus 2x. As you know, minus 9x plus 2x is minus 7x. And if minus 9x multiplied by 2x, then that will be the product of first and third term. Now, taking pair, we have to take common. Maximum common will be 3x. So it will be 2x minus 3. And here 1 should be common because no any term can cancel both of them. So 1 is the common factor, 2x minus 3. So its two factors are 3x plus 1 and 2x minus 3. These are the two factors of given polynomial. Now I will find the zeros. Aapne class 9th mein factors se zero nikalna padhe the. Ki dono factors ko hum bari bari se zero karenge. जहां से दोनों फैक्टर्स में x का वैल्यू आएगा, तो यहर x इक्वल टू, फ्रॉम दिस फैक्टर x इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 एंड फ्रॉम दिस फैक्टर x इक्वल टू 3 अपॉन 2. सो टू जीरोज आर माइनस 1 बाय 3 एंड 3 बाय 2. हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स की दो जीरोज होते हैं जिसको मैथ में हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं. तो अल्फा इज माइनस 1 बाय 3 एंड बीटा इज 3 बाय 2. नाउ आई हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन ऑफ इट्स जीरोज विद इट्स कोफिशियंट. कोफिशियंट मींस 6 इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस 7 इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड माइनस 3 इज कॉन्स्टेंट टर्म. जब हम इसको एक स्टैंड अप फॉर्म एक्सप्रेस करेंगे तो दिस विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. हेयर ए इज 6, बी इज माइनस 7 एंड सी इज माइनस 3. सो सम ऑफ जीरोज, फर्स्टली आई विल फाइंड सम ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा. एंड यू नो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए. हमने पिछले क्लास में आपको फॉर्मूला दिया था, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स की दोनों जीरोज का सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, जो मुझे यहां पे प्रूव करना है. तो अब हम दोनों जीरोज को ऐड करेंगे, माइनस 1 बाय 3 और 3 बाय 2 को इक्वल टू. अब यहां पे हम गिवन पॉलीनोमियल से बी और ए का वैल्यू पुट करेंगे, माइनस इज कॉमन. अब बी का वैल्यू हम यहां से देखेंगे, पॉलीनोमियल में माइनस 7 है तो हम ब्रैकेट में बी के प्लेस पे माइनस 7 रखेंगे. एंड ए इज हेयर 6 बिकॉज ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहां पे 6 है. अब दोनों तरफ इक्वेट देखना है,
3 और 2 कैल्शियम 6, दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज 9, माइनस माइनस प्लस दिस इज 7/6, माइनस 2 प्लस 9 दिस इज 7/6 एंड दिस इज ऑल्सो 7/6 एंड दिस इज वेरीफाइड। ये रिलेशन हो गया कि सम ऑफ जीरोस को माइनस बी बाय ए के इक्वल कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस दोनों जीरोस का मल्टीप्लीकेशन यानी अल्फा इंटू बीटा, जिसे मुझे सी बाय ए शो करना है। तो दोनों जीरोस को हम यहां पे लाएंगे मल्टीप्लाइड फॉर्म में, माइनस 1/3 एंड 3/2। सी देखेंगे हम, पॉलिनोमियल्स में सी का वैल्यू माइनस 3 है, सी माइनस 3 रखेंगे और ए का वैल्यू यहां पे 6 है तो ए 6 रखेंगे। 3 एंड 3 कैंसिल, दिस इज माइनस 1/2। हियर आल्सो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, दिस इज माइनस 1/2, सो बोथ आर इक्वल, सो इट इज वेरीफाइड। दस डियर स्टूडेंट्स, यू कैन एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ टू जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल विद इट्स कोफिशिएंट्स। प्रोसेस नंबर वन, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द टू फैक्टर्स एंड फ्रॉम टू फैक्टर्स वी हैव टू फाइंड टू जीरोज। आफ्टर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ जीरोज एज माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाय ए। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। यदि मुझे टू जीरोज ऑलरेडी दिए हुए हों तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हियर देयर आर टू मेथड। हम दोनों मेथड को आपको बारी बारी से बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला मेथड है कि डायरेक्ट फॉर्मूला से हम इसको बनाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है आप लोग नोट डाउन करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और के इज कांस्टेंट। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। एज यू नो जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, सो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, दिस इज अ फॉर्मूला। हियर के इज कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन से मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन है कि टू जीरोस आर 2 एंड माइनस 3 इफ टू जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल आर 2 एंड माइनस 3 देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख, हियर फर्स्ट जीरो इज 2 एंड सेकेंड जीरो इज माइनस 3, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो हम यहां पे डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूला का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू, फॉर्मूला इज गिवन हेयर, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इज 2 एंड बीटा इज माइनस 3, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, दिस इज 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इन 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3। नाउ के एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 1 एंड 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6। के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्स प्लस माइनस माइनस 6। हेयर के इज कॉन्स्टेंट, दैट इज 1। यहां पे के 1 है बिकॉज के इज द कोफिशियंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो कि यहां पे 1 है। हियर के इज 1, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, जो इसका आंसर हुआ
वह हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो जीरो से हमने पॉलिनोमियल्स को फाइंड किया। इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल से जीरोज निकाला था और उसका रिलेशन कॉफिशियंट के साथ दिया था। यहां पे दोनों जीरोज हम आपको दिए थे और यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने निकाला। अब सेकेंड मेथड, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे। तो मेरे पास अल्फा है टू और बीटा है माइनस थ्री। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए। अब अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो टू प्लस माइनस थ्री इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस वन इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस वन मीन्स माइनस वन बाय वन इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। अल्फा दिया है टू और बीटा दिया है माइनस थ्री इक्वल टू सी बाय ए। माइनस सिक्स इक्वल टू सी बाय ए। माइनस सिक्स मीन्स माइनस सिक्स बाय वन। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस ऊपर वाले टर्म में माइनस बी बाय ए माइनस वन बाय वन के इक्वल है और सी बाय ए माइनस सिक्स बाय वन के इक्वल है। इन दोनों जगह देखते हैं कि ए का वैल्यू सेम है वन, तो यहां पे हम ए का वैल्यू वन लेंगे। ए इज वन। यदि ए को वन लेते हैं हम तो बी इक्वल टू दिस, न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर। तो बी इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, बी का वैल्यू वन आएगा और सी का वैल्यू माइनस सिक्स आएगा। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां मेरा ए की जगह पे वन रखेंगे, बी के प्लेस पे भी हम वन रखेंगे और सी मेरा माइनस सिक्स आया है। अब इसको हम अल्टीमेटली लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। सो दिस इज अ गिवन पॉलिनोमियल। तो आपने देखा यहां भी मेरा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है और यहां भी मेरा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है। दोनों कंडीशन में आंसर सेम होता है, सिर्फ प्रोसेस अलग अलग है। तो आप इन दोनों प्रोसेस में से किसी भी प्रोसेस से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं, यदि आपके पास दोनों जीरोस दिए हुए हैं तो। तो यू मे हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोज इज वन बाय फोर एंड प्रोडक्ट इज माइनस वन। यहां पे मैं आपको अल्फा और बीटा न देके दोनों का सम डायरेक्टली दे दिया हूं और दोनों का प्रोडक्ट भी मैं आपको डायरेक्टली दे दिया हूं। अब हम इस दोनों से सम और प्रोडक्ट से कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो जैसा कि आपने इसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। ये होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहां पे आप पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। सम आप देख रहे हैं, सम मैं आपको वन बाय फोर दिया हूं, प्रोडक्ट मैं आपको माइनस वन दिया हूं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले प्लस माइनस माइनस करेंगे। अब यहां पे हम एलसीएम लेंगे फोर, सो दिस विल बी फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। इट कैन बी ऑल्सो रिटेन एज, इस फोर को हम बाहर कर लेंगे वन बाय फोर के फॉर्म में, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। तो आपने यहां क्या देखा कि यहां पे के की जगह पे जहां पे के था वहां पे कांस्टेंट आ गया वन बाय फोर। तो हेयर के इज वन बाय फोर, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, जिसको आप यहां पे इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
therefore required polynomial is फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, या नहीं तो आप यहां पे भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, यहां पे भी छोड़ सकते थे, या नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिखेंगे, बोथ आर इक्वल, देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अब हम आपको कुछ न्यू क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने आपको बताया था, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताए थे। किसी भी क्यूबिकल पॉलिनोमियल को यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो ग्राफ होगा वह एक जिगजैग टाइप होगा, जो एक्स एक्सिस को थ्री पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की थ्री जीरोज होते हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कंडीशन है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यहां पे ए जीरो नहीं होना चाहिए, और जितने भी यहां पे ए बी सी और डी टर्म्स देख रहे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, जिसके बदले नंबर आएंगे, चाहे वो नंबर रूट के अंदर हो या फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो ए, हियर ए इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, बी यहां पे किसका कॉफिशियंट है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है, सी यहां पे किसका कॉफिशियंट है तो एक्स का कॉफिशियंट है, और डी क्या है यहां पे तो कांस्टेंट टर्म है। तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, व्हेयर ए बी सी एंड डी हैव देयर यूजुअल मीनिंग। नाउ इट हैज थ्री जीरोस। हमने आपको पहले भी बताया था किसी भी पॉलिनोमियल्स के जितने डिग्री होते हैं उसके उतने ही जीरोज होते हैं। तो इट हैज थ्री जीरोज, अल्फा बीटा एंड गामा। एज यू नो अल्फा हमने पहले भी यूज किया था क्वाड्रेटिक में, बीटा भी मैंने यूज किया था, लेकिन यहां पे एक और जीरो बढ़ गया जिसको हम फिजिक्स में एंगल मानते हैं गामा के फॉर्म में। तो दिस इज गामा, वाई की तरह होता है, बट जो वाई का जो एक हैंडल होता है, जो एक प्रोंग होता है, वह थोड़ा सा बड़ा होता है और वह मुड़ जाता है। तो दिस इज गामा। अल्फा बीटा एंड गामा आर द थ्री जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था कि दो जीरोज अल्फा और बीटा होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में थ्री जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अब यहां पे मैं आपको तीन फॉर्मूला दूंगा। जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक में दो फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहां पे एक फॉर्मूला बढ़ जाएगा, दो तो वही रहेगा और एक बढ़ जाएगा। तो देखिए, फर्स्टली सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला होगा माइनस बी बाय ए। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के तीनों जीरोज का सम होगा माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज That is alpha into beta into gamma equal to minus d by a, and sum of the products of the zeros taken two at a time equal to, that is it can be written as alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, and this is equal to c by a.
तो तीन फॉर्मूला यहां पे आया, एक सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय ए, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, दो दो जीरो को एक साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो इसका फॉर्मूला आएगा सी बाय ए। आपने देखा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर माइनस बी एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट था, ए एक्स क्यूब का कॉफिशियंट था, माइनस डी कॉन्स्टेंट था और सी जो था वह एक्स का कॉफिशियंट था। नाउ अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई विल गिव यू अ क्वेश्चन। स्टूडेंट सी, अब हम इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन देके मैं आपको समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एंड एस्टैब्लिश अ रिलेशन ऑफ इट जीरोज विद कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले मुझे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज निकालना है, थ्री जीरोज होंगे इसके, अल्फा बीटा एंड गामा। आपको याद होगा क्लास नाइन्थ में हमने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज निकालना बताए थे कि पहले इसको पी एक्स लेट करके हीट एंड ट्रायल मेथड से एक्स का कोई भी एक वैल्यू पुट करके टू के जो फैक्टर्स होंगे उसी फैक्टर में से एक वैल्यू लेके हम इसको जीरो बनाते थे और फिर उस जीरो से हम फैक्टर निकालते थे, उस फैक्टर से इसमें हम डिवाइड करते थे, जो कोशेंट आता था उसका हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दो फैक्टर निकालते थे, इस तरह हम इसके तीन फैक्टर से थ्री जीरोज निकालते थे। तो यहां पे हम जीरोज निकालने का प्रोसेस कुछ शॉर्ट मिलेंगे। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट कर देंगे, लेट पी एक्स बी 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यानी पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब यदि मैं यहां पे x के प्लेस पे 1 रखूंगा तो इस पॉलिनोमियल के अंदर यदि मैं x का वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 0 आ जाएगा, फिर यदि मैं x के प्लेस पे माइनस 2 रखूंगा तब भी ये 0 होगा, और जब मैं x के प्लेस पे 1/2 रखूंगा तब भी ये 0 होगा। इन तीनों केस में px का वैल्यू 0 आएगा, इट मींस 1 माइनस 2 एंड 1/2 आर इट्स टू थ्री जीरोस, 1 माइनस 2 एंड 1/2 आर इट्स थ्री जीरोस। अब हम रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, तो सम ऑफ जीरोज मुझे दिखाना है माइनस बी अपॉन ए, तो तीनों जीरोज को हम ऐड करेंगे, 1 को माइनस 2 को और 1/2 को, और इधर माइनस बी बाय ए, बी का वैल्यू हम देखना चाहेंगे। इस पॉलिनोमियल के अंदर बी का वैल्यू है 1, तो बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट होता है जो कि यहां पे 1 है, और ए होता है एक्स क्यूब का कॉफिशियंट जो यहां पे 2 दिया हुआ है। अब इन तीनों को इवेल्युएट करेंगे हम, 1 माइनस 2 प्लस हाफ, इसको माइनस 1/2 दिखाना है, माइनस 1 प्लस हाफ एंड दिस इज माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2। तो आपने देखा कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज का सम माइनस बी बाय ए के इक्वल ही होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिखाना है मुझे माइनस डी बाय ए, तो तीनों जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे, डी डी का वैल्यू पॉलिनोमियल्स के अंदर 2 है तो माइनस 2 अपॉन में 2, दिस इज 2 एंड 2 कैंसिल, दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज ऑल्सो माइनस 1 वेरीफाइड। और एक यहां पे और रिलेशन शो करना होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको सी बाय ए लाना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 सी बाय ए। सी गिवन पॉलिनोमियल्स में माइनस 5 है और ए का वैल्यू 1 है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर भी माइनस 5 हो जाएगा और इधर भी माइनस 5 है, दस इट इज वेरीफाइड। तो आपने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर भी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा माइनस डी बाय ए होता है,
और अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा तीनों का सम सी बाय ए के इक्वल होता है. सो टुडे आई वॉन्ट टू फिनिश माई क्लास हेयर. सो आई होप डैट यू ऑल मे हैव अंडरस्टूड. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू.